और खबर श्रावस्ती जनपद के इकौना कस्बे के कबीर नगर मोहल्ले से, जहां पर बीती रात चोरों ने एक घर में की चोरी। साथ ही घर में रखा दूध भी पी गए चोर। इसके साथ ही खाली पड़े प्लाट में दूसरी चोरी का मिला सामान। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर श्रावस्ती जनपद के इकौना कस्बे के कबीर नगर मोहल्ले से है, जहां पर बीती रात एक घर में घुसकर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। बगल में सो रही महिला को कोई जानकारी नहीं हुई और उसके घर से कीपैड मोबाइल 2000 तथा 50 रुपए चोर उठा ले गए। कबीर नगर। क्या हुआ था? अब रात में सो रहे थे, वही मतलब रखा हुआ था, अटाण पे पर्स रखा था, उसमें 2000 रुपए थे। तो मतलब लेकर मतलब देखे तो हम गली में पर्स खाली पड़ा हुआ था, पैसा नहीं था उसमें, और एक छोटा पर्स था जिसमें 50 रुपया था, वो भी गायब हो गया। और छोटा कीपैड मोबाइल था, वो भी गायब हो गया। किस कंपनी का था जी? किस कंपनी का? लावा फोन। हाँ। और कुछ गया है जी? नहीं, कुछ नहीं। जान नहीं पाई आप वही बगल में? नहीं, हम नहीं जान पाए। जानकारी कब हुई आपको? अभी सुबह 5:30 बजे। सुबह जब घटना की जानकारी हुई तो लोगों ने आसपास तलाश शुरू किया, तो पास ही प्लाट में कुछ कपड़े व अन्य सामान पड़े मिले, साथ ही एक सूटकेस भी मिला। लेकिन यह सूटकेस चोरी किए गए घर वालों का नहीं था। ऐसे में लोगों ने इसकी सूचना डायल 112 को दी। मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी और सूटकेस से बरामद एक फोटो के आधार पर सामान मालिक की जब तलाश की गई तो पता चला कि बस स्टाफ के पीछे 10 दिन पहले भी चोरी हुई थी। जानू के यहाँ घर पर चोरी हुई थी, जहाँ से सामान गायब हुआ था, उन्हीं का ये सूटकेस था, जिनको मौके पर बुलाया गया और उन्होंने अपने सामान की पहचान की। इस सामान में जहाँ कपड़े लत्ते मिले, वहीं 200 रुपये नकद भी मिले, जो इकौना पुलिस ने पीड़ित परिवार की बगल में हुई चोरी से यह सामान भी बरामद हुआ। अगर ये चोरी की घटना न होती तो शायद खाली पड़े प्लाट में लोगों की निगाह न जाती। लेकिन सवाल यह है कि 10 दिन बाद आखिरकार इतने दिन बाद चोरों ने उस बैग को यहाँ पर क्यों छोड़ा? कबीर नगर मोहल्ले में रहने वाले शख्स के यहाँ बीती रात चोरी की गई, जहाँ से 2000 रुपये नकद, 50 रुपये व एक कीपैड मोबाइल की चोरी हुई। वहीं बगल पड़े प्लाट में लावारिस हालत में सूटकेस और सामान बिखरा पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सामान मालिक का पता लगाया और वो मौके पर पहुंचे तो उनके सुपुर्द किया गया। वहीं इस चोरी की घटना का पुलिस जल्द ही खुलासा करने को कह रही है। इकौना पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र के कबीर नगर मोहल्ला का पूरा मामला है, जहां पर यह चोरी की घटना सामने आई और इस घटना के बाद बगल ही खाली पड़े प्लाट में भी कुछ सामान बरामद हुआ, जो पूर्व में हुई चोरी के सामान। सोच रहे थे कि हाँ थे वो, इनके पापा मतलब छत पर थे और ये भैया जो हमारा है ये अपना मोबाइल ये टच वाला नहीं लगाया था कमरे में, नहीं तो वो भी गायब हो जाता। नोट कराइए क्या कहते हैं। 2000 रुपए और जो छोटा पर्स में था उसमें भी 150 रुपए थे और कीपैड मोबाइल लाया क्या? चलो वही तो पता ना मिला। कहाँ घर है आपका? यहाँ तो लड़का हमारा छोटा लड़का। घर कहाँ है? घर है क्या? क्या चोरी हुआ तुम्हारा? अरे मैं पूरा सामान रखा है। तो कब घर रहा? जेवर रहा। कब घर? तो था 10 दिन होगा। हाँ, तब आज वह मिला। लगभग 10 दिन पूर्व इसी महिला के घर चोरी हुई थी, जो बस स्टाफ के पीछे रहती हैं, और उन्हीं का यह सामान आज इस जगह से बरामद हुआ, जहां पर खाली पड़े प्लाट में इनका सूटकेस और सामान मिला। पुलिस मामले की जांच पड़ताल और कार्रवाई में जुटी हुई है। इकौना कस्बे का यह पूरा मामला है, जहां पर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया और चोरों ने आकर घर में रखा दूध भी पिया, और इसके बाद कीपैड मोबाइल 2000 रुपये व एक 50 रुपये का नोट लेकर चोर फरार हुए। इसकी सूचना पीड़ित ने पुलिस को दी है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
सब सामान।